पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू करते हुए मतदाताओं से कहा, 15 सालों में बीजेपी ने जो किया उसकी तस्वीर आपके सामने है, उसे देखिए। आप कमलनाथ का साथ मत दीजिए, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए। कमलनाथ ने खेतों में जाकर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव से पहले अतिवृष्टि का शिकार बने किसानों के खेत में फसलों का जायजा लेने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने कमलनाथ को बताया कि अतिवृष्टि ने किस कदर तबाही मचाई है। कमलनाथ को किसानों ने बताया कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अब तक सर्वे का काम नहीं हुआ है। कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में लोगों से कहा, मध्य प्रदेश के बीते 15 सालों की तस्वीर आपके सामने है, ऐसे में आप भले ही कमलनाथ का साथ ना दें, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दें। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा, उसके बाद आपका भविष्य कहां जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा, कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।